अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेंड के ऑल डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। तो मैं आपको बता दूं, एक अच्छी रिक्रूटमेंट आ चुकी है जिसमें 70 प्लस पोस्ट्स आउट हो चुके हैं, जिसमें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर देना, और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां से आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, नोटिफिकेशन आई है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू। तो बहुत सारे नॉन टीचिंग पोजिशंस इसमें आई हैं जिनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी 10th पास, ग्रेजुएशन पास और 12th पास। तो बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। डेट आप नोटिफिकेशन का देख सकते हो 19/7/2023, मतलब कि ये नोटिफिकेशन 19 को आई है। इसमें अगर हम बात करेंगे डेट्स की, तो यहाँ से आप सबसे पहले देख सकते हो डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। तो 24 से आप एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए फिलअप कर सकते हो। इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 23rd अगस्त 2023। 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट के लिए। डायरेक्टली आपको अप्लाई कैसे करना है और पोस्ट क्या क्या है, इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, यहाँ से आप देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नेम ऑफ द पोस्ट, फिर पे स्केल की, उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट्स, तो कैटेगरी वाइज भी पोस्ट्स को इन्होंने मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। तो सबसे पहला है अकाउंट असिस्टेंट कैशर, तो इसके लिए आप देख सकते हो नंबर ऑफ पोजीशन 6 हैं, जिसमें ओपन मेरिट के लिए 4 हैं और आरबीए के लिए 1, एसटी के लिए 1। उसके बाद स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करेंगे तो 8 पोस्ट्स आए हैं। फीमेल नर्स की बात करेंगे तो 1 पोस्ट है। ड्राफ्ट्समैन की बात करेंगे तो 1 पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करेंगे तो 4 पोस्ट है। असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करेंगे तो 16 पोस्ट्स हैं। उसके बाद ऑडियो विजुअल ऑपरेटर की अगर हम बात करेंगे तो 1 पोस्ट हैं। साउंड मैन की बात करेंगे तो 1 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिशियन की बात करेंगे तो 2 पोस्ट्स हैं। कैशर कम कैटलॉगर की बात करेंगे तो 1 पोस्ट हैं। टेक्नीशियन की बात करेंगे तो 2 पोस्ट्स हैं। टेक्नीशियन फार्म स्लैब की बात करेंगे तो 30 पोस्ट्स हैं। वर्कर्स सुपीरियर सिविल की बात करेंगे तो 1 पोस्ट हैं। कारपेंटर के लिए 1 पोस्ट है। ड्राइवर के लिए 4 पोस्ट हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो टोटल जो पोस्ट है वो 79 है। तो मैं आपको बता दूँ ओपन मेरिट के लिए इसमें 40 है, बाकी कैटेगरीज के लिए है। अब अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो अकाउंटेंट्स असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है, स्टेनोग्राफर के लिए भी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। फीमेल नर्स की बात करेंगे, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है नर्सिंग में तो आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। ड्राफ्ट्समैन की बात करेंगे तो डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन अगर आपने किया हुआ है तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करेंगे तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या आपने डिप्लोमा किया हुआ है, बीसीए, बीएससी किया हुआ है, तो तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करेंगे तो अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। बाकी यहाँ ऑडियो विजुअल ऑपरेटर की अगर हम बात करेंगे तो 10+2 विद डिग्री और डिप्लोमा, तो अगर आपने 10+2 किया हुआ है तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो, या अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। साउंड मैन की बात करेंगे तो डिप्लोमा इन साउंड रिकॉर्डिंग अगर आपने किया हुआ है तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। इलेक्ट्रिशियन की बात करेंगे तो अगर आपने मैट्रिक पास आउट किया हुआ है, ITI डिप्लोमा इन ट्रेड में किया है, तो तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। क्लासिफायर कम कैटलॉगर की बात करेंगे, मैट्रिक विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंसेज, अगर आपने 10th पास किया हुआ है और आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो कि लाइब्रेरी साइंस की है, तो तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। या ग्रेजुएट इन साइंस अगर आपने किया हुआ है तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। टेक्नीशियन फार्म स्लैब क्लिनिक्स की बात करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो TDC पार्ट 1, अगर आपने 10+2 किया है साइंस ग्रुप में 50% मार्क्स, तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। यहाँ से हम और एक पोस्ट की बात करेंगे टेक्नीशियन फार्मर्स लैब की, तो अगर आपने TDC पार्ट 1 साइंस ग्रुप विद 50% आपने किया हुआ है तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। उसके बाद वर्कर्स सुपरवाइजर की बात करेंगे तो ITI ट्रेड अगर आपने किया हुआ है, उसके बाद कारपेंटर की बात करेंगे, मैट्रिक पास अगर आपने किया हुआ है, ड्राइवर की बात करेंगे तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और मैट्रिक अगर आपने किया हुआ है तब आप अप्लाई इन पोस्ट्स के लिए कर सकते हो। बाकी यहाँ से इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फी 1000 रुपीज़ रहेंगे, फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 700, और यहाँ से आप देख सकते हो एज लिमिट भी दी गई है, मैक्सिमम एज 40 इयर्स 43 इयर्स है, SC के लिए, ST के लिए 43 इयर्स, और मिनिमम एज 18 इयर्स रहेगी इसके लिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि अप्लाई कैसे करना है आपको, तो आपको सबसे पहले देखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे, वो आपको ऑलरेडी पता है 24 से स्टार्ट हो जाएंगे। डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो मैं आपको बता दूं सकास्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है sakast.org, तो वहीं पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको विजिट करना है, वहाँ से डायरेक्टली आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है
फिर अप्लाई करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है, जो आपके पास PDF आएगी वो आपको अपने पास रखनी है। उसके बाद फर्दर जो बाकी इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पे शेयर होगी नोटिफिकेशन के थ्रू, आपको चेक करते रहना है, हम भी वो प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो अपडेट इनके लिए होगा, रिटर्न टेस्ट, एडमिट कार्ड्स वगैरह, रिजल्ट कब आएगा और सिलेक्शन लिस्ट वगैरह, तो वो सब हम प्रोवाइड कर देंगे। चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना और हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ज़रूर करना। इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी इन पोस्ट के बारे में पता चल जाए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।